हमारे देश में स्कैम करना तो जैसे बच्चों का खेल हो गया था। जैसे हाल फिलहाल में भी जैसे नीरव मोदी, विजय माल्या, 2G स्कैम, बफर स्कैम, और जो 1992 में हुआ था जो शेयर मार्केट से रिलेटेड था, हर्षद मेहता 1992 स्कैम। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ स्कैम 1992 द हर्षद मेहता स्टोरी वेब सीरीज के बारे में, जिसे सोनी लिव पर रिलीज किया गया। टोटल इसके अंदर 9 एपिसोड है। इस सीरीज को डायरेक्ट किया है हंसल मेहता और जय मेहता ने। इसके अंदर कास्ट है प्रतीक गांधी, रजत कपूर, सतीश कौशिक, निखिल द्विवेदी और बाकी अन्य कलाकार। इस वेब सीरीज की कहानी एक रियल बेस्ड स्टोरी के ऊपर आधारित है। इसको ऐसे मत देखना कि एक मनगढ़ंत कहानी है। इसके अंदर जो चीजें दिखाई गई वो बस ऐसे दिखाई गई, वो वाकई में वो चीजें हुई थी। मैंने हर्षद मेहता को लेकर जो स्कैम हुआ था 1992 में, उसके बारे में पढ़ा, हर्षद मेहता की बायोग्राफी के बारे में पढ़ा। तो जब ये सीरीज अनाउंस की गई थी कि इसके ऊपर ये चीजें आने वाली है, हर्षद मेहता को लेकर ये चीजें आने वाली है, तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था क्या इसके अंदर वो सब चीजें दिखाई जाएंगी, क्योंकि इसके अंदर कॉन्ट्रोवर्शियल चीजें थी, क्योंकि इसके अंदर बहुत बड़े बड़े नामी गिरामी जो लोग थे इसके अंदर शामिल थे, इवन प्रधानमंत्री तक का नाम इसके अंदर था। तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था इसको लेकर, क्या इतनी हिम्मत है इनको दिखाने की कि भाई इसके अंदर वो सब चीजें दिखाई जाए स्पष्ट रूप से कि भी इसके अंदर कौन कौन शामिल था। 1992 में जो स्कैम हुआ, जिसके अंदर जो आंकड़ा जो वहां पर आया था कितने रुपए का स्कैम हुआ, वो था 5000 करोड़ रुपए। अगर आप उस 5000 करोड़ को अगर आज की डेट में आंको तो वो बनते हैं टोटल 24000 करोड़ रुपए, या उससे भी ज्यादा बन जाते हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप इस चीज को समझो कि वो स्कैम कितना ज्यादा बड़ा था। और उस वक्त जब 1991 की बात है, जब 1990s के उस टाइम में जब मनमोहन जो वो थे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे 1991 में, पीवी नरसिम्हा राव की जब सरकार थी, उस वक्त आया था लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ये सब चीजें क्यों लाई गई थी, क्योंकि हमारा देश उस वक्त मंदी की मार से बहुत भयंकर रूप से गुजर रहा था, बहुत गरीबी थी, लोगों के पास पैसा नहीं था। तो उस वक्त इतना बड़ा स्कैम होना कितनी बड़ी बात रखती है यार। और तब के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को यह कहा गया था कि उन्होंने हर्षद मेहता से 1 करोड़ रुपया लिया। कैन यू इमेजिन कि भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने रिश्वत ली थी। और इस सीरीज के एंड में यह बताया गया कि ये जो मेहता जो हर्षद मेहता का स्कैम है वो एक्चुअल में पीवी नरसिम्हा स्कैम है। आपको मैं थोड़ी सी हेल्प कर देता हूं इस सीरीज को समझने में, क्योंकि जहां पर भारत की जो जनता है जो लिपसिंग को और मुजरे को जो टैलेंट समझती है, जिनको एक्चुअल में टैलेंट की परख ही नहीं है, तो उनके पास बुद्धि हो ये तो मैं सोच ही नहीं सकता। तो उन मंद बुद्धियों के लिए और जो जिनको कम समझ आती है फाइनेंशियल चीजें, तो मैं उन लोगों को थोड़ी बहुत हेल्प कर देता हूं, ताकि जब आप ये सीरीज देखने बैठे तो जो इसके अंदर जो टर्म्स यूज हों वो आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। तो ये जो सीरीज है वो शेयर मार्केट से रिलेटेड है। शेयर का मतलब होता है हिस्सा। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी है जिसको अपना बिजनेस जो है वो मार्केट के अंदर चलाना या बढ़ाना या शुरू करना है, कुछ भी करना है, तो वो तो एक काम करेगी, या तो उसके पास अगर बहुत सारा पैसा है तो वो उसमें डाल देगी और उसके क्या करेगी, अपना काम करना शुरू कर देगी। अगर उसके पास पैसा नहीं है तो वो क्या करते हैं, वो करते हैं मार्केट से अपने मतलब पैसा उठाते हैं। पैसा उठाते हैं मतलब कि एक तरीके से अपनी जो कंपनी है उसके शेयर जो हैं वो हिस्से जो हैं वो मार्केट में लगा देते हैं, कहते हैं कि हमारे शेयर खरीद लो, हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो। ये आम लोग होते हैं जो इनकी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, तो ये कहते हैं कि आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो, हमारी कंपनी जब बड़ी होगी, जब ग्रो करेगी, तब आपको प्रॉफिट मिलेगा, इसी को कहते हैं शेयर। अब ऐसा नहीं है कि उस कंपनी ने अपने शेयर जो हैं वो निकाले शेयर मार्केट के अंदर और आप जाएं, मैं जाऊं, आप जाएं, सिंपल जाके बीएससी में कहें कि भाई साहब हमें इनके इन कंपनी के शेयर दो। ऐसा नहीं होता। इन शेयर के लिए, इन शेयर को खरीदने के लिए हमें जाना पड़ता है ब्रोकर के पास। ब्रोकर जो होता है वो इन कंपनी से अपना हाथ मिला के रखता है। इन कंपनी जो है वो इन ब्रोकर के थ्रू अपने शेयर जो है वो मार्केट में निकालती है। अब क्या होता है कि ब्रोकर जो है ब्रोकर को काम लेके काम लाने का काम करता है, मतलब कि ब्रोकर को क्लाइंट कौन प्रोवाइड करता है, वो होता है जोबर। ब्रोकर होता है, फिर जोबर होता है, जोबर जो होता है वो क्लाइंट ला के देता है ब्रोकर को। तो ये इस तरीके से चैन चलती है। अब ये सब चीजें मैंने क्यों समझाई, अब इस चीज को मैं क्लियर कर देता हूं। हर्षद मेहता जिनका जन्म हुआ था 1954 में, अपनी बीकॉम की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने बहुत सारे काम किए थे अलग अलग, जैसे सेलिंग का काम किया था, किसी किसी ऑफिस में क्लर्क का काम किया था। बट सपने बहुत बड़े थे भाई साहब, इनके सपने थे कि भी कम समय में ज्यादा से ज्यादा रुपए कमाए जाए। और इनको समझ आ गया था कि अगर इनको अपने सपने पूरे करने हैं तो ये जो शेयर मार्केट है ये सबसे बड़ा आसान तरीका है, क्योंकि बहुत कम लोगों को उस वक्त चीजें समझ आती थी और हर्षद मेहता उस समय इस शेयर मार्केट को समझ गए थे। और इन्होंने शुरुआत की थी एज ए जॉबर उस मार्केट के अंदर, फिर ये जॉबर बन के आए, इन्होंने बहुत जबरदस्त काम किया, फिर ये ब्रोकर बने।
और बहुत कम टाइम में इन्होंने अपना नाम बहुत ज्यादा कर लिया था। इन्होंने अपनी एक ग्रोम और नाम से कंपनी ओपन भी कर ली थी। अब अपने शेयर से लेकर अब शेयर मार्केट में तो इनका दबदबा था ही। अब ये चाहते थे कि कुछ और बड़ा किया जाए, तब ये चले गए मनी मार्केट। अब देखो मनी मार्केट क्या होता है, जैसे कंपनी जो होती है, जो प्राइवेट कंपनी जो होती है, उनको अपना बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए, अपनी कंपनी को ग्रो करने के लिए अपने वो क्या करती है, इन्वेस्टमेंट चाहती है। तो इन्वेस्टमेंट या तो उनके पास पैसा हो, या तो अपनी कंपनी के शेयर जो है वो मार्केट के अंदर निकालें, लोग उसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे, तब उनसे रुपया मिलेगा, वो कंपनी ग्रो करनी स्टार्ट होगी। ऐसे ही जो होती है गवर्नमेंट होती है, उसे क्या होता है कि अपने काम के लिए कभी कभी रुपए की जरूरत पड़ जाती है। वो रुपए कहां से लाती है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट या तो टैक्स ले लेती है, अपने हमारे ऊपर टैक्स बढ़ा देगी, तो उससे टैक्स से उसको रुपया मिल जाएगा। बट एक लिमिट होती है ना, एक लिमिट से ज्यादा तो टैक्स बढ़ा नहीं सकते। तो दूसरा तरीका आता है कि भाई ये अपने सिक्योरिटी बॉन्ड जो है वो मार्केट के अंदर निकालें, इसको ओपन मार्केट कहते हैं। मैं उस मामले में नहीं जाना चाहता हूं, बट एक तरीके समझो ये अपने सिक्योरिटी बॉन्ड निकालती है। सिक्योरिटी बॉन्ड का मतलब होता है ये एक बैंक के पास जाती है, बैंक को कहती है हमारे सिक्योरिटी बॉन्ड खरीद लो और आप हमें रुपया दे दो, और बैंक जो है वो रुपया दे देती थी गवर्नमेंट को। अब क्या होता था कि कभी कभी बैंक को भी इन रुपयों की जरूरत पड़ जाती थी, कभी इनको भी बहुत ज्यादा अचानक रुपयों की जरूरत पड़ी है, किसी को देना है, तो ये बैंक क्या करते थे, इनके पास जो सिक्योरिटी बॉन्ड है उसके एवज में ये BR बैंक रिसीट निकाल के दूसरे बैंक के पास जाते थे, उनको कहते थे कि भाई हमारे पास ये सिक्योरिटी बॉन्ड है और इसके तहत पर हम आपसे रुपए चाहते हैं, आप ये BR पकड़िए और हमें रुपए दे दीजिए। अब क्या होता था कि डायरेक्टली तो जाते नहीं थे, इनको जरूरत पड़ती थी एक ब्रोकर की, ब्रोकर के पास ये जाते थे, बैंक रिसीट से लेते थे, बैंक रिसीट ब्रोकर लेके बैंक दूसरे बैंक के पास जाता था, वहां से बैंक रिसीट देके दूसरे बैंक में, बैंक वाले दूसरा बैंक इसको चेक देते थे ब्रोकर को, और ये चेक जो है वो ब्रोकर के नाम पे ही करता था। ये सारी चीजें इसलिए होती थी ताकि जो ट्रांजेक्शन है बहुत ज्यादा तेज हो जाए। अब उस वक्त जो थे कंप्यूटर तो थे नहीं, उस टाइम में जो है 1990 के टाइम में कंप्यूटर जो है वो इंट्रोड्यूस ही हुए थे, और उस वक्त इतनी हाई टेक्नोलॉजी तो थी नहीं कि भी हाँ भी हर जगह इन चीजों को पकड़ पाए कि कहां एरर चल रहा है। तो ब्रोकर जो होते थे इनके पास अकाउंट में रुपया आ जाते थे, और ये जो रुपया है इनके अकाउंट में कुछ दिन पड़ा रहता था, फिर ये दूसरा बैंक जो जिनको जिन्होंने इनको बैंक रिसीट दी थी वो इनसे रुपया लेता था। अब ये कुछ दिन जो रुपया पड़ा होता था वो 15 दिन तक पड़ा होता था, कुछ 14 दिन के लिए पड़ा होता था। ये था इसका लूप होल, और इस चीज का फायदा उठाया हर्षद मेहता ने। हर्षद मेहता को पता चल गया कि 15 दिन तक तो किसी बैंक को रुपया देना है नहीं, एक अगर इसी के पास बैंक रिसीट है, उसने रुपया ले लिया, उसके पास चेक आ गए, तो ये जो रुपया 15 दिन तक जो उसके अकाउंट में पड़ा होता था ये सारा का सारा रुपया लगाता था वो स्टॉक मार्केट यानी शेयर मार्केट के अंदर लगा देता था। अब किसी भी शेयर के जो दाम है इसको बढ़ाने होते थे, एक तरीके से इसके पास कुबेर का खजाना था, यानी समझ लो यार एक इंसान के पास बैंक उसके बैक में खड़ा है, उसके पास बहुत सारा रुपया है, अब वो किसी भी शेयर के जो दाम है वो आसमान पे छुला सकता था। मतलब उसने ACC के जो शेयर थे उस वक्त 200 से 9000 के ऊपर पहुंचा दिए, 200 से 9000 के ऊपर पहुंचा दिए। मतलब सोचो 200 से सीधा 9000 कितना प्रॉफिट हो गया। और हर्षद मेहता यही नहीं रुका, ये कदम एक कदम और आगे बढ़ा, इसने फेक जो है बैंक रिसीट छापनी शुरू की ताकि बैंक किसी और बैंक के पास जाए, उससे रुपया फिर ले ले, ताकि थोड़ा टाइम मिले, उसके पास रुपया रहेगा और फिर वो जब टाइम खत्म हो जाएगा उनको वापस रुपया वापस बना के दे देगा मार्केट से। तो ये सब चीजें इसने चलती चलती रही, और कैन यू इमेजिन कि भाई वो कितना ज्यादा अमीर हो गया था। 12,000 से 15,000 स्क्वायर फुट उसका मुंबई के अंदर अपना एक घर था जिसमें गोल्फ मैदान था, मतलब उसको शेयर मार्केट का अमिताभ बच्चन कहा जाता था। और उस वक्त की सबसे महंगी गाड़ी जो टोयोटा की लेक्सस जो गाड़ी थी जो 40 लाख की आती थी उसने वो खरीदी थी, मतलब पूरी मुंबई देखने जाती थी भाई साहब उसके पास जो गाड़ी है। तो अब हर्षद मेहता फुली फेक रिसीट बनाकर, फेक बैंक रिसीट बनाकर, मतलब एक बैंक से रुपया लेता था, कभी उनको दूसरा जब उस वो वाला बैंक इससे रुपया मांगता था तो दूसरे बैंक से रुपया लेकर उनको दे देता था, ऐसे गोल गोल इनको घुमा रहा है पूरी तरीके से, और इतने घपला कर रखा है इतना तगड़ा। और फिर इसके ऊपर नजर पड़ती है एक जर्नलिस्ट है सुचेता दलाल, जो टाइम्स ऑफ इंडिया की जो जर्नलिस्ट थी, इनके ऊपर जब नजर पड़ती है तब ये खुद देखती है कि यार एक ऐसा शेयर मार्केट से निकला हुआ इंसान इसके पास इतनी बड़ी महंगी गाड़ी कैसे। तो जब ये यहां से चीजें शुरू होती हैं, इन्होंने एक आर्टिकल लिखा जिससे पूरी शेयर मार्केट जो वो हिल गई थी। यार जबरदस्त जर्नलिस्ट थी, इतना तेज दिमाग था, मतलब उस वक्त बहुत कम लोगों को चीजें समझ आती थी कि शेयर मार्केट में जो टर्म्स होती हैं वो क्या होती हैं, फाइनेंशियल टर्म क्या होती हैं, बैंक रिसीट क्या होती हैं, सिक्योरिटी बॉन्ड क्या होते हैं, ये सब चीजें बहुत कम लोगों को समझ आती थी। और उसमें थी सुचेता दलाल, ये सब चीजें ये बल्कि समझती थी, बल्कि ये भी पता था कि लूप होल क्या है और इस चीज का फायदा कौन उठा रहा है, ये सारी चीजें ये समझती थी। इन्होंने इस चीज को समझ के एक आर्टिकल लिख दिया था जिससे पूरा शेयर मार्केट हिल गया था। 1992 में हर्षद मेहता को गिरफ्तार किया गया सिर्फ और सिर्फ 3 महीनों के लिए, क्योंकि भाई साहब इनके पास इनके खिलाफ जो है एविडेंस ही नहीं थे, सीबीआई को
5 साल लगे 1997 में, 5 साल तक मतलब इन्होंने सबूत इकट्ठे किए, 5 साल बाद यानी 1997 में इनको फिर से गिरफ्तार किया गया और फिर इनको 5 साल की सजा हो सुनाई गई। और यहां पर 2001 में इनकी मृत्यु हो जाती है। जब ये 1992 में 3 महीनों बाद जेल से आए तो इन्होंने अपना वकील जो है वो राम जेठा मिलानी को नियुक्त किया था। यार वो इंसान बड़े बड़े लोगों को पानी पिला दे, उनका वकील था ये। बहुत बड़े बड़े लोगों के नाम भी सामने, फॉर एग्जाम्पल पीएम प्रधानमंत्री बीवी नरसिम्हा राव का भी नाम सामने है कि उन्होंने 1 करोड़ रुपया लिया। और ये बहुत बखूबी रूप से इस सीरीज के अंदर दिखाया गया है कि भाई प्रधानमंत्री ने रुपया लिया है उस वक्त। यार सोचो यार एक तरीके से ये चीज बेबाकी से दिखाना इस सीरीज के अंदर कितनी बड़ी चीज होती है यार। बट एविडेंस की कमी होने के कारण कुछ भी नहीं हो पाया था। और इस सीरीज को देखकर तुम्हें पता चलेगा कि जो डेमोक्रेसी जो उस वक्त हुआ करती थी वो कैसी हुआ करती थी। कोई अगर प्रधानमंत्री के खिलाफ बोल देता था उसको फटदनी उठाकर जेल में डाल दिया जाता था। और आज के जो फुकरे जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी खतरे में, डेमोक्रेसी खतरे में। भले ही वो प्रधानमंत्री को कितनी भी गालियां दे दें, भले ही देश के खिलाफ कुछ भी बोल दें, फिर भी उनको डेमोक्रेसी खतरे में ही लगती है। तो जरा एक बार 1991 की उन हालात पे एक बार नजर मार ले, तब पता चलेगा कि डेमोक्रेसी के उस वक्त क्या हाल थे। और देखो यार एक बात सोचने वाली है कि एक इंसान इतना बड़ा घपला अकेले तो कर नहीं सकता, उसके ऊपर बहुत ज्यादा सपोर्ट चाहिए होगा, पार्लियामेंट का सपोर्ट। उसने साफ ये बात बोली है कि भी हाँ पार्लियामेंट में जो है वो बहुत ज्यादा लोग इसके जान पहचान के थे, बहुत बड़े बड़े नेता इसके जान पहचान के थे। इवन SBI जो बैंक है इसके अंदर इसमें नाम आया कि 500 करोड़ का घपला तो SBI को लगा दिया था। तो सोचो कितने बड़े बड़े लोगों का इसके ऊपर समर्थन था, कितने लोगों ने इसका साथ दिया था। कोई अकेला इंसान ये तो कर नहीं सकता, लेकिन एक ही इंसान का नाम सामने आया, वो था हर्षद मेहता। बाकी तो कोई भी नहीं जानता उन वाक्यों का और वाक्यों का क्या हुआ। तो देखो यार मैं स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेड करूंगा कि यार जाकर देखो। आप लोगों ने बहुत सारे घपले देखे होंगे और भी चीजें, लड़ाई जो बहुत सारी मूवीज ऐसी लड़ाई वाली देखी होंगी या सीरीज ऐसी देखी होंगी। तो एक ऐसी सीरीज जिससे सच में यार लगभग 7.5 घंटे या थोड़ी सी इससे ऊपर ज्यादा की कुल मिला के सीरीज है, बट तुम देखोगे तुम्हें एक्चुअल में अंदाजा होगा कि लोग जो है वो माइंड गेम कैसे खेलते हैं, कैसे शेयर मार्केट को उठा पटक करते हैं। एक्चुअल में तुम्हें बहुत सारी चीजें जानने को मिलेंगी। और ऐसी जो सीरीज होती है वो पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती है, जिसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जो इतनी कॉम्प्लिकेटेड भी होती हैं और हमें बहुत कुछ सिखा के भी जाती है। और इसने बहुत इजीली तरीके से समझाने की कोशिश की, बहुत सारी चीज़ें आपको समझ भी आएंगी। अब बहुत सारे जो यूट्यूबर हैं जिनका मैंने रिव्यू सुना वो कहते हैं यार एक ही सीरीज़ के अंदर मैंने इतना कुछ सीख गया, शेयर मार्केट का इतना हिसाब लगाना गया। देखो यार ऐसा नहीं होता कि तुम एक सीरीज़ देखोगे 7.5 या 8 घंटे की और तुम सब कुछ चीज़ें सीख जाओगे चुटकी बजाते, ऐसा नहीं होता। बट ये तुम्हें सीरीज सिखा देगी घपला कैसे किया था। ऐसा नहीं है कि ये सीरीज देखकर तुम लोग शेयर मार्केट के उस्ताद बन जाओगे और जाके शेयर मार्केट में रुपया लगाने जाओगे। ना ना ऐसा मत करना। ये जो लोग हैं तुम्हें बोलने वाले यूट्यूबर, वो बस उनका एक तरीके से अपने रिव्यू को एक्साइटमेंट बढ़ाने वाली बात होती है, और ऐसा ही इन्होंने किया। तो मेरी तरफ से इस सीरीज को मैं देना चाहूंगा 9.5 out of 10 स्टार। मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई यार ये सीरीज। इसके अंदर इतना बेबाकी से सब चीजें सामने रखना, कितने कितने बड़े लोग हैं, इवन जो NCBI के जो ऑफिसर है माधवन उनको निकाल दिया गया था, यार कमाल की थी यार। और इसके अंदर परफॉर्मेंस की बात करूं यार, परफॉर्मेंस तो A1 है। प्रतीक गांधी की जो उन्होंने हर्षद मेहता का जो रोल किया है वो यार कमाल का है। और रजत कपूर ने जो CBI ऑफिसर का जो माधवन का रोल किया है यार इतना सीरियसली, भले उनको ज्यादा टाइम नहीं दिया गया बट जितना भी उनको लिया यार इतना एकदम जो आते थे स्क्रीन पे एकदम टेंस सा माहौल आ जाता था। कमाल की सीरीज, कमाल का डायरेक्शन, कमाल की स्टोरी, सब कुछ A1 है यार। मैं चाहूंगा कि यार आप लोग जाके इसको देखो यार, सीखो उस वक्त क्या हुआ था, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर किसी ने ये सीरीज देख ली तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताना कि आप लोगों को ये सीरीज कैसी लगी। अगर नहीं देखी है तो प्लीज जाकर देखो यार, मैं आप लोगों को कैसे बताऊं कितनी जरूरी है सीरीज देखना। खैर बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।